स्टूडेंट आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो देखिए स्टूडेंट, आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए। इस नया वीडियो में आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे वो थर्ड सेमेस्टर बीएड के, उन लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए कि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो कब होगा। WBUTT PE के अंडर से अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं हो रहा। हमारा जो एग्ज़ाम हो चुका सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का, लेकिन थर्ड सेमेस्टर का कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा कि एग्ज़ाम कब होगा और कैसे होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। तो देखिए अभी सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है कब तक होने का चांस है, कब तक हो सकता है। और देखिए अभी एक नोटिस जारी किया है WBUTT PE, तो वो नोटिस भी देखिए इसमें क्या कहा गया है आपका थर्ड सेमेस्टर को लेके, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को अभी आपका शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार को और भी वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल में हमेशा बीएड रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। देखिए WBUTT का पी का ऑफिशियल साइट है ये, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। देखिए लिखा हुआ द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये WBUTT PE का ऑफिशियल साइट है। तो इसमें देखिए अभी आपको एक नोटिस सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ नोटिस सेक्शन है। यहाँ पर नोटिस सेक्शन में देखिए क्या कहा गया, यहाँ पर एक नोटिस जारी हुआ है अभी कल का डेट में, यानी कि 7 तारीख को एक नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पे देखिए ये आपका नोटिस रिगार्डिंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिशन को लेके यहाँ पे एक नोटिस जारी हुआ। तो देखिए इस नोटिस को डाउनलोड करके इसमें दिखाएंगे आपको कि क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया है आपका सेमेस्टर थर्ड को लेके। तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं और आपको अभी पढ़ के दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये डाउनलोड हो चुका है अभी आपका ये नोटिस। या नोटिस में देखिए क्या कहा गया, ये देखिए नोटिस में लिखा है ऊपर में द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है आपका सर्कुलर रोड बेलीगंज में है कोलकाता में। तो यहाँ पे देखिए एक नोटिस जारी किया गया 7 तारीख के डेट में, 7/3/2022 को। तो इसमें देखिए क्या कहा गया नोटिस में, आपको पूरा डिटेल्स अभी दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए उनका साइन भी मिलेगा जो रजिस्टर है उनका, इनका WBUTT PE का जो रजिस्टर है उनका द्वारा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या कहा गया है नोटिस में, सबसे पहले आप देख लीजिए। और देखिए फ्रेंड, इस नोटिस को अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से इसका आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छा से पढ़ लीजिएगा क्या कहा गया क्या नहीं। और देखिए इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इनका ऑफिशियल साइट पे भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी देखिए आपको यहाँ पे हम पढ़ के सुनाते हैं क्या कह रहा है ये WBUTT PE आपका नोटिस में। तो देखिए यहाँ पर लिखा, ऑल द कॉलेज अपीलेट अंडर WBUTT PE आर हेरिबाय इंस्ट्रक्टेड टू सबमिट ऑल देयर ड्यू माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल ऑफ द एकेडमिक सेशन आपका 2020 एंड 2022 विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस नोटिस बट फॉर विच अपेयरिंग एट द थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर द सेशन 2020-2022 माइंड नॉट बी पॉसिबल एज पर द एग्जिस्टिंग रूल, प्लीज कंसिडर द वेरी अर्जेंट एंड टेक नेसेसरी एक्शन इमिडिएटली। यानी कि इस नोटिस में आपको कह रहा कि जितने भी स्टूडेंट है जो WBUTT PE के अंडर एपिलेट जितने भी कॉलेज है वहाँ से अगर वो आपका थर्ड सेमेस्टर यानी कि बीएड कर रहे हैं या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हैं और जो थर्ड सेमेस्टर में है, यानी कि सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं जो थर्ड सेमेस्टर में, तो उन लोग को यहाँ पे नोटिस किया गया है और कॉलेज को भी नोटिस किया गया कि आप लोग जो है स्टूडेंट का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोग 7 डे के अंदर यूनिवर्सिटी को जमा कीजिए। अगर आप माइग्रेशन नहीं जमा करते हैं तो आपको जो है थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है एग्ज़ाम देने में थर्ड सेमेस्टर का। तो यहाँ पे साफ यही कहा गया है कि आप जल्द से जल्द 7 दिन के अंदर, 7 दिन का टाइम दिया गया। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 7 दिन का टाइम दिया गया। यहाँ पर जो नोटिस जारी हुआ अभी आपका ये 7/3/2022 को, यानी कि 7/3/2022 को ये नोटिस जारी हुआ और यहाँ पे आपको 7 डेज का टाइम दिया गया, यानी कि 7 से लेकर आपका 14 दिन तक टाइम दिया गया। 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 7 दिन आपको टाइम दिया गया। 7 दिन के अंदर आपका जो माइग्रेशन है ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो आपको जमा करना है कॉलेज में, और कॉलेज वाले जो है अपना यूनिवर्सिटी को जमा करेंगे।
तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जामिनेशन थर्ड सेमेस्टर का बैठने के लिए। तो यहाँ पे देखिए थर्ड सेमेस्टर में बैठने के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं उनको नोटिस किया गया है कि आप माइग्रेशन ओरिजिनल जमा कीजिए। तो देखिए इससे आपको पता चल रहा है कि आपका जो अभी हम आपको बताए थे कि आपको बताएं कि आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा बीएड वाले के स्टूडेंट का, तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका भी माइग्रेशन जमा नहीं हुआ है थर्ड सेमेस्टर का, यानी थर्ड सेमेस्टर में जो पढ़ रहे हैं, तो उन लोग के लिए भी यही नोटिस है। अगर वो नहीं जमा किए अभी तक अपना माइग्रेशन तो जमा कर दे अपना माइग्रेशन जल्द से, नहीं तो आपको थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं इस नोटिस से कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अभी 14 तारीख तक तो कोई नोटिस नहीं आने वाला है आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम को लेकर, उसके बाद ही आपका नोटिस आ सकता है। तो जैसे ही कोई नोटिस आता है आपका एग्ज़ाम को लेकर तो हम आपको आप तक पहुँचाएंगे वीडियो के माध्यम से, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें पल पल का अपडेट पाने के लिए बीएड रिलेटेड। तो देखिए यहाँ से आपको इतना समझ में आ रहा कि आपका जो एग्ज़ाम है थर्ड सेमेस्टर का अभी 14 मार्च तक आपका कोई अभी तक नोटिस नहीं आने वाला, क्योंकि आपका 14 तारीख तक तो डेट दिया गया थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट को कि आप अपना माइग्रेशन को सबमिट कीजिए। माइग्रेशन वो सबमिट करेगा 14 तारीख तक, उसके बाद ही आपका जो आगे का प्रोसेस होगा वो होगा, उसके बाद ही कुछ नोटिस आएगा। तो आप अभी निश्चित रहिए, आपका जब भी नोटिस आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी आपका कुछ नोटिस नहीं है एग्ज़ाम को लेकर, आप इस नोटिस पे ही समझ सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम अभी 14 तारीख तक तो नहीं होने वाला, ना ही कोई आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा, 14 तारीख के बाद ही होगा। तो जैसे कोई नोटिस आएगा तो आपको बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड, आज का इस वीडियो में हमको यही बताना था कि अभी जो आपका थर्ड सेमेस्टर का जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग जल्दी से अपना माइग्रेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन का सर्टिफिकेट जो है कॉलेज को जमा कर दे, वो अपना यूनिवर्सिटी को जमा करेंगे जो भी WBUTT पे के अंडर से बीएड कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया। अगर कुछ आपको डाउट है मन में, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का इस वीडियो को फ्रेंड यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।